सुनील इंगले। आज का नया प्रोजेक्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर एंड मोटर कंट्रोल प्रोजेक्ट। वो कैसे होगा? तो हम दो आईसी के थ्रू और एक ट्रांजिस्टर के द्वारा करेंगे। तो ट्रांजिस्टर आपको कौन सा? BT136600। और आईसी दो कौन कौन सी है आपकी? एक आईसी आपकी ये वाली आईसी का नाम है 4066 है, और इसका नाम है 6 ये 14 पिन की आईसी, और 6 पिन की आईसी है MOC3011। ठीक है, ये आपको पोलोराइड कैपेसिटर है, 0.0 के 100 का है, और ये 100 ओम के तीन रेजिस्टेंस है आपके। ये आपका BT136600 का ट्रांजिस्टर है आपका ये। इसके बाद ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है आपका ये। ये आपका 270 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये आपकी LED 5.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ से लगा हुआ है। तो ये कैसे कनेक्शन है आपको? देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, दो कनेक्शन लेना है, दो वायर लेने अपने को, जंपर वायर। एक तो पॉजिटिव सप्लाई आएगा, ये रहा पॉजिटिव सप्लाई, ये पॉजिटिव रहेगा। और सबसे पहले ग्राउंड 12 को लेके लगाएंगे यहाँ पे। 12 नंबर की पिन कैसे पता की हमने? तो देखो ये होगी 7 पिन और ये 7 14 14 में एक माइनस गया तो 13, और एक माइनस गया और दो कम किए तो 20 12। तो 12 को ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ये सीधा पहले हमने पानी में डाल देंगे इसको। ठीक है, ये पानी में डाल के आपका, और ये दोनों जब डालेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, अगला पिन नंबर 11 है, इसको हमको ग्राउंड करना है। तो इसी के बाद जो पिन होगी वो 11 होगी, क्योंकि ये 12 थी तो एक कम करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ कनेक्शन कर दिया। पिन नंबर 11 के बाद पिन नंबर 12 है वापस, तो 11 तो हो गया अपना। अब पिन नंबर 7, पिन नंबर 7 को भी मैंने ग्राउंड कर दिया। पिन नंबर 7 को ग्राउंड करने के बाद आपका क्या बच रहा है? पिन नंबर 14 को पॉजिटिव देना है। तो पिन नंबर 14 को पॉजिटिव मैंने कनेक्शन कर दिया, इसको यहाँ पे लेके ये पॉजिटिव कनेक्शन हो गया। ठीक है, 14 हो गया आपका। आपका इसके बाद क्या हो गया? 12 हो गया। 12 का ये वाला बचा है आपका 12, जो ट्रांजिस्टर पे आएगा तो ये कनेक्शन कर दिया। ट्रांजिस्टर का कनेक्शन बेस का, और इसका कलेक्टर आपको पॉजिटिव में दे दिया। और एक कलेक्टर को मैंने क्या किया, 220 ओम किलो ओम के रेजिस्टेंस से आईसी की पिन नंबर 1 में कनेक्ट कर दिया, और इसका कनेक्शन नंबर ईमीटर को मैंने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पिन नंबर कौन सी बच रही है? यहाँ पे पिन नंबर सारी कनेक्शन हो गया आपका। पिन नंबर 10 का कनेक्शन ये हो गया आपका। देखो ये LED, ये 10 का कनेक्शन आपका हो गया ऑलरेडी। ये इसके बाद आपका कलेक्टर से रजिस्टर लग गया, यहाँ से बेस से ये कनेक्शन बेस का हो गया। इसके बाद ये कलेक्टर, कलेक्टर से पिन नंबर, पिन नंबर 2 को फिर मैंने ग्राउंड किया है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पिन नंबर 6, तो पिन नंबर 6 इसका टॉप, 6 से एक रेजिस्टेंस पे आएगा। रेजिस्टेंस कहाँ जाएगा इसका? रेजिस्टेंस से डायरेक्ट पिन नंबर 2, तो ये इसका रेजिस्टेंस, और इसे पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया मैंने। अब यहां से अपन आगे चले तो क्या होगा, कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर से रेजिस्टेंस और पिन नंबर 1 पे गया। पिन नंबर 1 से एक रेजिस्टेंस लगा, पिन नंबर 4 पे गया, और पिन नंबर 4 से जो एक कनेक्शन गया पिन नंबर 3 पे कनेक्शन होगा। उसका कितने पे होगा? पिन नंबर 3 पे कनेक्शन हो गया। बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। इसको जैसा बनाया वैसा आप करेंगे तो आपका बन जाए। जैसे इसकी मैंने ऑन किया, देखो ये ऑन हो गया। तो देखो इसको मैंने वाटर में डाला है, ठीक, और इसका दूसरा वाला भी वाटर में डाला, तो LED ग्लो करने लगी। अब ग्लो करने लगी, अब इसके आगे का समझो। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो ये पानी से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ठीक है, पानी में दोनों हो गए कनेक्शन इसके। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक केबल ली हुई है, हमने पावर केबल लिया हुआ है। एक पावर केबल से क्या हो रहा है, देखो पावर केबल जी, देखो सीधे एक पावर केबल से हमने क्या किया, इसके यहाँ पे देखो आप, पावर केबल से मोटर जो है आपकी टिल्लू पंप की मोटर जो है, इसको मैंने कनेक्शन किया। इस कनेक्शन को आप देखेंगे तो कैसे, सीधे जब ये दो वायर आ रहे थे तो एक वायर को मैंने डायरेक्ट कहाँ किया, पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा, और एक मोटर से लिया, जो मोटर से लिया, और एक मोटर से लिया, दूसरा वायर मोटर से जोड़ दिया इसका। और एक को क्या किया मैंने, जैसे अपन रिले में करते सेम ऐसा एक वायर में ज्वाइंट कर दिया, यानी कि तो क्या होगा कि वो प्लस माइनस जो भी है आपका स्विच के, एज अ स्विच काम करेगा यहाँ पे।
अब देखो पहला नंबर की जो पिन होगी इसकी जो मोटर से आ रही होगी वो पिन नंबर वन पे लगेगा। देखो पिन नंबर वन पे लगेगा, देखो पिन नंबर वन पे लगेगा, देखो यहाँ मैंने पिन नंबर वन पे लगा दिया। और इसको जैसे मैंने पावर सप्लाई पे दूंगा, इसको देखो पावर सप्लाई पे दे रहा हूँ, तो ये मोटर भी देखो ऑफ है। देखो अब ऑन कब होगी, देखो तो ये आज का आपका वाटर लेवल इंडिकेटर विद मोटर, ये प्रोजेक्ट आप स्कूल कॉलेज या माइनर प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकते हो। इसके पीसीबी पे बनाने के लिए भी, इसको ब्रेडबोर्ड पे बना के मैंने बताया, पीसीबी पे भी इसको बना सकते हो। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है। थैंक यू, आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।